आप सभी चैप्टर्स के पहले नोट्स को रिवाइज करें, हर चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करें, फिर उसके जितनी भी डेरिवेशंस हैं, क्या डेरिवेशंस की आप लिस्ट बना के उनको डिराइव, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सभी का आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। फिर आपके डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, कई बच्चे डायग्राम्स स्कूल में अच्छे से नहीं बनाते और ग्राफ को अच्छे से लेबल नहीं करते, तो उसमें भी हमारे पास मार्क्स जाते हैं। आप अगर हो पाए, इतना करने के बाद अगर आप हो पाए क्विक रिवीजन फाइनल आप करके अपने हर चैप्टर का तैयार रखिए, ठीक है, हर चैप्टर का आप तैयार रखिए। और इवन अगर आप चाहें तो क्विक रिवीजन करने के बाद आप अपने सैंपल पेपर क्लास 12th के फिजिक्स के सैंपल पेपर्स अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मतलब वीक में अगर आप एक भी कर रहे हैं, वीक में एक, ठीक है, और प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं, लिखने का तरीका देख रहे हैं, हैंडराइटिंग देख रहे हैं, दो क्वेश्चन के बीच में कितनी स्पेसिंग छोड़ रहे हैं, ये सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आंसर लिखना स्टार्ट किया, बीच में डायग्राम बनाया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, ऐसा नहीं। आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस साइड आपने डायग्राम बनाया, इस साइड आपने लिखा, इसकी प्रॉपर लेबलिंग करी, ये सारी चीजें आप करिएगा। अगर आप ये चीज अपना साइड बाय साइड तैयार कर रहे हैं, बैकलॉग अभी आप साइड कर दो, ये चीज है आपके लिए जो आपका नेक्स्ट टारगेट आने वाला है प्री बोर्ड। ध्यान से समझ लो बेटा, प्री बोर्ड से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आज से ही सॉल्व करो, आज से उनके पीछे की डेरिवेशंस खोलिए, लिख के देखिए, राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न। सही बता रहा हूं, जो बच्चा लिख कर देखेगा ना, स्टार्टिंग में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, लेकिन उसके बाद बहुत मक्खन के जैसे आप अपने बोर्ड देखे आओ। आपको होमवर्क अभी हो पाए या ना हो पाए, कोशिश करिएगा डीपीपी करने की, बस और बस डीपीपी करने की। एचसी वर्मा के लिए अगर टाइम बचे देन इट इज गुड, मॉड्यूल के लिए बचे देन इट इज गुड, अगर नहीं बचे पैनिक मत करना, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। टू बी वेरी ट्रू, जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था टीचर ने जो पढ़ा दिया वही बहुत ज्यादा हो जाता था, अभी भी बता रहा हूं।